सभी लोग सब्जी भी है, चावल दाल जिसको और चाहिए होगा बना दीजिएगा। चावल चाहिए तो वाराणसी के खेल के खाना अंतर की अगर बात करें तो समाज सेवा के रूप में जो लोग लगे हुए रात दिन खाना बांट रहे हैं, बनवा रहे हैं, आइए हम आपको कैमरे की नज़र से दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग खाना बना रहे हैं। पैकिंग की सारा सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। जो गरीब भूखे लोग मर रहे हैं, खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए लोग रात दिन लग करके मेहनत कर रहे हैं। और यहीं पे हमारे साथ कुछ महिलाएँ भी हैं जो कि घर का काम के साथ खाना भी पैक कर रही हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से यह सराहनीय कार्य हो रहा है। अच्छा, नाम बताइए। मेरा नाम रुचा श्रीवास्तव है। क्या आपको कितने दिनों से ये कार्य कर रहे हैं समाज सेवा का, और क्या किसका सहयोग है इसमें? हम लोग प्रधानमंत्री जी की घोषणा से लगभग 1-1.5 दिन पहले से ही हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का एक ऑर्डर आया था कि सारी दुकानें बंद रहेंगी, सारी जगहें खाने पीने की बंद रहेंगी, जो वहाँ से बचा हुआ खाना लोगों को मिल पाता था या जानवरों को मिल पाता था वो अब नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़, ये थॉट हमारे दिमाग में पहले आ गया था कि ये चीज़ें अब करनी है। और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद जब उन्होंने ये कहा कि आप अपने आसपास ये मदद करिए, तो हमारा ये हौसला और बढ़ा। हमें लगा अब और ज़्यादा लोगों को हमारी ज़रूरत है। ये हमारी टीम है, हमारे भाई हैं, हमारे भाई के दोस्त हैं, सब हमारे छोटे भाई हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी पॉकेट मनी से शुरू किया ये चीज़ें कि अब हम ये करते हैं, और आसपास जितना हो सके जितने गरीब हैं, जितने भूखे जानवर हैं सड़क पर जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम ये चीज़ें कर सकें जितना हो सके। और इसमें हमारे आसपास के कुछ लोगों का भी हमें साथ मिला है जो हमारे साथ आके खड़े हुए हैं। ये चेन बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। शुरू में हमारा 70 से लेकर फिर अब हम 200+ लोगों को एक टाइम में खाना पहुंचाते हैं उनके तक, कि जितना हो सके हम ये चीज़ें कर सकें। तो मेरी ये अपील भी है कि और लोग भी अपने एरिया में ये चीज़ें करते रहें, ताकि और उधर के एरिया में जहाँ हम नहीं, हमारी पहुँच नहीं है, जहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को भी खाना मिले, वहाँ के जानवरों को भी खाना मिले। और इस 21 दिन के लॉकडाउन में कोई भी ऐसा ना हो जो भूखा सोए। जैसा कि यही इनसे बात करने पे ये भी मालूम चलता है कि खाली पेट सड़क पे कोई अगर सो रहा है, भूखे पेट रह रहा है, तो उसके लिए, उसका पेट भरने के लिए घर में सारा परिवार के साथ मोहल्ले के लोग एकत्रित होकर के भूखे को खाना खिलाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं।